निज स्वरूप का वास्तविक ज्ञान श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 20 के 40वें श्लोक में श्री सद्गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं। अपमर्थम त्वं मामेन तस्य भेदं विज्ञातं निर्बन्ध माम निज स्वरूपम अविद्यां विनश्ययम्। श्री गुरुदेव जी महाराज भक्तों को समझाते हुए निर्बंध से कहते हैं कि इसीलिए तुम मुझसे उस भेद ज्ञान को जानो, यह मेरे निज स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाने पर सभी अविद्याओं को नष्ट कर देता है। फिर वह स्फटिक के समान स्वच्छ पारदर्शी स्वरूप सर्वत्र व्यापक प्रतीत होता है। भक्तानां हिताय च महात्मनः मर्यादम उपदेशात् उदच्छते विज्ञानं विभुं परम। 41वें श्लोक में श्री परमहंस देव जी महाराज परमात्मा का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं कि हे निर्बन्ध, भक्तों के हित के लिए महात्मन जन यह मर्यादा पूर्वक उपदेश करने से परम विज्ञान स्वरूप चैतन्य विभु जो सर्वत्र व्यापक है वह प्रकट हो जाता है। जिस परमात्मा को जानकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, उसका ज्ञान विज्ञान सद्गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष साक्षात ही करा देते हैं। ऐसा वह परम प्रभु है, वह मैं ही हूँ। अविद परम स्वरूपम माम तरंगाणि सर्वाणि च बृहदाकारम हर हरा विद्या सवितु ससनानाग्रहम। 42वें श्लोक में श्री गुरु महाराज जी निर्बंध को समझाते हुए परमात्मा का स्वरूप बताते हैं कि अपार अगाध अथा समुद्र में ऊपर असंख्य तरंगे उठती रहती हैं, वे सब उससे ही उठती हैं और उसी समुद्र में लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार से बृहद विराट आकार वाला सर्वव्यापक परमात्मा है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश नाना विभूतियां तथा सूर्य चंद्र असंख्य ग्रह भरे हुए हैं। ऐसा जो दिखाई दे रहा है यह सब मुझसे ही उत्पन्न हो मुझमें ही लीन हो जाते हैं, यह वह परमात्मा मैं ही हूँ। तद ज्ञात्वा परम निज दिव्य स्वरूपम निर्बन्ध नित्य निरंजनम प्रसन्न बदनम सहम। 43वें श्लोक में श्री गुरुदेव भगवान समझाते हुए कहते हैं कि वह नित्य निरंजन परम दिव्य निज स्वरूप को जानकर उस परम विज्ञान स्वरूप परमात्मा में निमग्न होकर प्रसन्न मुख वाला सदा आनंदित रहता है। ऐसा योगी मुझ परमात्मा को ही प्राप्त करता है। परमस्य घट कद्धोतकयम् सावधानम ऋणुम निर्बन्ध अक्षर ज्योतिषानंदम सत चैतन्यमाद सर्वम। 44वें श्लोक में श्री परमहंस देव जी महाराज प्रसन्नता पूर्वक बताते हुए कहते हैं कि यह जो परमात्मा के घटक और घोतक स्वरूप हैं, उन्हें सावधान होकर सुनो। यह अक्षर प्रकाश आनंद सत्य चेतन आदि सभी परमात्मा के स्वरूप के घटक हैं, इन सब का कारण मैं ही हूँ। अस्मानस्य काला जनत तस्य ऊर्देयम् निर्बन्ध परम लोके सवितु परयम् विज्ञानम्। 45वें श्लोक में आध्यात्मिक सम्राट श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि इस सूर्य से ही काल उत्पन्न हुआ है, उसके भी ऊपर सूर्य से अत्यंत परे यह विज्ञान स्वरूप परम लोक है, उसको जानना ही
इस परमात्मा को जानना है, वही मेरा परम धाम है।